हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मज़ेदार रेसिपीज़ हैं कोरमे की। हम बनाएंगे गोभी कोरमा और सेकंड रेसिपी है हम बनाएंगे कोकोनट कोरमा। बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपीज़ हैं, आपको आप ज़रूर इसे ट्राई करें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, गोभी कोरमा हम बनाएंगे उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर गोभी ली है, उसको इस तरीके से फ्लोरेट्स में काट दिया है और इसे हम बॉईल करेंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए। उसके बाद इसे साइड में निकाल के रख लेंगे। और यहाँ देखिए, ग्रेवी के लिए हमने ऑयल लिया है 2 बड़े चम्मच। इसमें हम डालेंगे ज़ीरा 1 चम्मच और 1 मीडियम साइज़ की प्याज है, उसे हमने फाइनली चॉप किया है। उसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन हो जाएगा। उसमें 1 टमाटर रफली चॉप करके हम डालेंगे और इसमें थोड़ा सा हम टमाटरों को भूनेंगे। और इसमें फिर हम कुछ मसाले जाएंगे, वो डालेंगे। ये है लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और इसके बाद हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर 1 चम्मच और इसमें जाएगा थोड़ा सा हल्दी पाउडर। ये बेसिक मसाले हैं, वही हम डालेंगे। और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जले नहीं, थोड़ा सा हम इन्हें भूनेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, ये है 1/4 चम्मच हमने यहाँ पर गरम मसाला डाला है पिसा हुआ। अब इन मसालों को हम 5 मिनट के लिए थोड़ा सा भूनेंगे ताकि फ्लेवर जो है अच्छा से मिक्स हो जाए। और फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स, ये 6-7 से 8 मैंने काजू लिए थे, उन्हें भिगो के रखा था 15 मिनट के लिए। और पेस्ट बना लिया है, ये काजू पेस्ट इसमें हम डालेंगे। एकदम रिच और रॉयल ये डिश बनेगी। और थोड़ी सा हम इसको पकाएंगे और बस मसाला हमारा भुन रहा है। जो हमने गोभी बॉईल करके रखी थी उसे हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमें इसे गोभी को और थोड़ा सा गलाना है। तो ये हाफ बॉईल थी, 5 मिनट हमने सिर्फ बॉईल किया था, वो हमने इसमें मसाले में गोभी डाल दी है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला अच्छे से गोभी के जो फूल हैं, जो फ्लोरेट्स हैं, उनमें अच्छे से कोट हो जाए। गैस को हम सिम रखेंगे फ्रेंड्स, उसी पर हम इसको बनाएंगे। 1 चम्मच फ्रेंड्स यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो हमने इसमें डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए गोभी को गलने तक हम इसे पकाएंगे। यहाँ 10 से 15 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए, यहाँ पर अब हम डालेंगे, गोभी गल चुकी है। यहाँ पर 1 चम्मच हम लेंगे फ्रेश क्रीम, वो इसमें हम डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को बिल्कुल सिम रखेंगे और यहाँ पर अच्छे से जब क्रीम मिक्स हो जाएगी तो बस 2 से 3 मिनट हम इसे और ढककर पकाएंगे, बस ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर देखिए, 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ग्रेवी, ये देखिए कोरमा कितना अच्छा भुन चुका है, एकदम ज़बरदस्त लग रहा है। हरे धनिए से इसे हम मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। एकदम जो ऑयल है सेपरेट हो चुका है। अब हम यहाँ पर कर देंगे गैस ऑफ और ज़बरदस्त गोभी कोरमा बनकर तैयार है। और करते हैं इसे सर्व। इतना इजी और टेम्पटिंग रेसिपी ये बनकर तैयार होगी फ्रेंड्स। आप जैसे चाहें इसे नान से भी, रोटी से भी, जैसे आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये इतनी रिच और रॉयल, ये सब्ज़ी नहीं है, इतनी रिच और रॉयल क्रीमी ये कोरमा बनकर तैयार होगा। बहुत मज़े से खाएंगे सब। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये गोभी कोरमा कैसा लगा। नेक्स्ट रेसिपी है कोकोनट कोरमा। इसके लिए फ्रेंड्स हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच ग्रेटेड कोकोनट, जो बुरादा आता है ड्राई, वो हमने लिया है। 1 प्याज ली है हमने मीडियम साइज़ की और ये 5 से 6 हम काजू लेंगे। 1 पेस्ट बनाएंगे, कोकोनट पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और 2 से 3 हरी मिर्च आप लेंगे। जितना आप तीखा चाहें तो और ज़्यादा हरी मिर्च ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हम हरी मिर्चों का ही यूज़ करेंगे। और एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स 2 बड़े चम्मच ऑयल लेंगे, मस्टर्ड सीड्स लेंगे 1/2 चम्मच, उन्हें थोड़ा सा सॉटे होने देंगे। और उसके बाद 1 प्याज अच्छे से चॉप करके मीडियम साइज़ की, वो हम इसको प्याज को फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन होने तक। और जो हमने कोकोनट पेस्ट बनाया था वो अब इसमें हम डाल देंगे और थोड़ा सा पानी भी और मिला लेंगे ताकि ये जो पेस्ट है लगे नहीं, जले नहीं। और ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा पानी मिलाया है और इस थोड़ा सा हम गैस को सिम रखेंगे। और अब ये देखिए यहाँ पर थोड़ा भुन रहा है मसाला, थोड़े मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, 1 चम्मच हम इसमें लेंगे धनिया पाउडर और इसमें नमक लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग।
और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। फ्रेंड्स, रेड लाल मिर्चों का यूज़ हम नहीं कर रहे हैं इसमें, इसलिए हमने ग्रीन चिलीज मसाले में पहले ही डाल दी थी, तो आप ग्रीन चिलीज और ले सकते हैं। अच्छे से मसाले को थोड़ा सा सिंपल हम पकाएंगे। देखिए मसाला यहाँ अच्छे से मिक्स हो चुका है। फ्रेंड्स, इसमें बेस इंग्रेडिएंट क्या है, वेजिटेबल्स हैं। ये यहाँ पर मिक्स वेजिटेबल्स हैं, गोभी, गाजर, बीन्स, मटर, ये हमने ले लिया है। 250 ग्राम्स के अराउंड ये सब्जियाँ होंगी। और अच्छे से अब एक कप पानी डाल के इन्हें हमें सब्जियों को इस मसाले में गलाना है, तो ऑलमोस्ट टेंडर हो जाएं। इतनी देर के लिए हम इसे पकाएंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और सब्जियों के गलने तक इसे पकाएंगे। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, सब्जियाँ गल चुकी हैं, ऑलमोस्ट ग्रेवी ड्राई हो चुकी है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, एक बड़ा चम्मच मैंने लिया है कोकोनट मिल्क। ये कोकोनट कोरमा है तो कोकोनट के इंग्रेडिएंट्स तो इसमें जाएंगे ही। यहाँ पर कोकोनट मिल्क का मैंने यूज़ किया है और एक चम्मच, बड़ा चम्मच हमने लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी ग्रेवी यहाँ पर बनकर तैयार है, सब्जी जो हमारा ये कोरमा है। और यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, जो कोकोनट मिल्क है अच्छे से मिक्स हो गया है। अब गैस को हमने कर दिया है ऑफ और इसमें हम डालेंगे हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग रेसिपी, एकदम कोकोनट का एकदम क्रीमी फ्लेवर आएगा, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। ये पर्सनली मैंने ट्राई की है और मुझे इतनी टेस्टी लगी ये रेसिपी, और बहुत ही ज़बरदस्त नान के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। रोटी जैसे आप चाहें इसे सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ में आप अपने घर में इसे गेस्ट आए हैं तब बना सकते हैं, इवन बच्चों को भी खिला सकते हैं। इसे गार्निश करिए हरे धनिए से और इसे ज़रूर ट्राई करें, एंजॉय करें। आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताएँ। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।